ठाकुर जी को वो चाहते हैं सब लोग आए, मगर अब क्या करें। वो बोले ठीक है, मैंने इच्छा भी दे दी, द्वेष भी दे दिया, 84 लाख योनिया भी दे दी, 33 कोटि देवी देवता दे दिए, सब आपको व्यवस्था करके दे दिया, तुम्हारी मर्जी तुम यहाँ रहो, तुम्हारी मर्जी मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आना है, भक्ति भी करनी शुरू कर दी है, तो इसको सकाम की दीवार को तोड़ो, इस दीवार को तोड़ो, निष्काम भाव में आ जाओ, और ये जीवन बहुत बहुत छोटा है और इतनी जल्दी पता खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। एक जीवन ये सराय की तरह है, एक प्रीपेड सराय होती, तभी आप होटल बुकिंग आजकल करते हैं ना लाइन के ऊपर, तो हम देखते हैं अपने जेब के हिसाब से होटल होटल बुक कर देते हैं। जब आप पहुंचते हैं, एक दो रात रहना है जाकर, अब वो होटल हमको वैसा ही मिलेगा जैसे हमने पे किया है, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। हमको जीवन का जो सुख दुख मिला है, किसी को बड़ा घर मिला है, अच्छी प्रॉपर्टी मिली है, धन संपत्ति ये वो सब कुछ मिला है, वैभव मिला है, ये प्रीपेड है। अब आगे क्या मिलेगा वो अभी तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये जो प्रीपेड सराय में हम रह रहे हैं, जीवन एक सराय की तरह है, होटल की तरह है, ये सब कुछ खत्म होने वाला है, छोड़कर जाना पड़ेगा। जैसे गाड़ी में सफर करते हैं, जीवन गाड़ी के सफर की तरह है, गाड़ी में बैठे हुए जीवन की गाड़ी में बैठे हुए हैं, और सुख दुख के डब्बे लगे हुए हैं उसी के अंदर बैठे हैं। कई बार गाड़ी में पंखा चलता है डब्बे के अंदर, कई बार एसी चलती है, कई बार नहीं चलती, वहां पर बैठे हैं। मगर गाड़ी में बहुत बढ़िया से बढ़िया गाड़ी भी हो, इस गाड़ी से तो उतरना ही पड़ेगा, इस डब्बे से एक ना एक दिन उतरना पड़ेगा। मगर साधारण गाड़ी में तो ये होता है कि हमने दिल्ली से बंबई की टिकट ली है, बंबई उतरेंगे जाकर, मगर ये जीवन की बड़ी गाड़ी है, कब टीटी आएगा और बोलेगा भैया गेट डाउन, नीचे उतर जाओ, अभी आपका स्टेशन आ गया। नहीं नहीं महाराज, मैं तो बहुत आनंद से बैठा हुआ हूँ, ये डब्बा बहुत बढ़िया है, बड़ा एसी का डब्बा है, बड़ा सोने की बहुत बड़ी व्यवस्था अच्छी है, अरे क्या आनंद आ रहा है, सीनरियां दिखाई दे रही हैं, ये हमारी ये रेलगाड़ी चल रही है, कहीं पर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर नदियां दिखाई दे रही है, और कितना आनंद आ रहा है हमको गाड़ी में बैठे। अरे ना बोले, बड़े आपको आनंद आता है, मगर आपका स्टेशन आ गया भैया, उतर जाओ नीचे, तुरंत उतरो, आपको उस डुब्बे से निकलना ही पड़ेगा, उठा के फेंक देंगे। जो माया है, ये जीवन है, ये उठा के फेंक देंगे। इसलिए ये जो हमको जीवन मिला है, बहुमूल्य जीवन जो है, लब्ध्वा सुदुर्लभम, इस जीवन में हमको भगवान की प्राप्ति करनी है, और भगवान की प्राप्ति हमको निष्काम भाव से करनी है। ये नहीं है हमने सेवा किया, हमको हमको तनख्वाह दो, ये जितने भी तनख्वाह वाले हैं ना, जो तनख्वाह लेने वाले हैं और जो तनख्वाह देने वाले हैं, सब अपराधी हैं।